ये आप समझेंगे मैं किसी को यानी के पिंडीवालू मैं मैं सबको जानता हूं सो नथिंग लाइक दैट मैंने देखें बेसिकली मैं मुस्लिम लीग ही था मैं मुस्लिम लीगों को इकट्ठा देखना चाहता था ये मेरा ड्रीम था वो तो नहीं रही वो नहीं हुआ तो फिर मैं वो तो चाहता ना कि अच्छे लोग आए अच्छे लोग असम्बलियों में आए मैं इनके लिए काम करूंगा अगर लोगों ने चोरों लुटेरों और मेरी तो छोटी सी पार्टी है तो मेरा तो एक सिलेक्टेड पिंडी है लाहौर है कराची है अर्बन एरिया में हमारी सीटें हैं ठीक है छोटी सी पार्टी मे... है, है इमरान खान साहब के साथ आप मिले ठीक है अब वो भी आपसे जान छुड़ाने की बात करें छुटकारा हासिल करने की बात कर रहे हैं ये बातें आजकल हो रही हैं इसलिए कि इस डील में जो आपकी और उनकी हुई पॉलिटिकल माइलेज आप दोनों में से किसी को भी हासिल नहीं चले आप अगर खुश हैं तो मैं नहीं पर... मैं खुश नहीं हूँ मैंने तो पूछा है आपसे अगर इतना भोला नहीं हूँ वो तो सबको अगर मैं इतना भोला होता तो इक्कासी घंटे इन्होंने मेरे जलसे को डिस्कस किया हमारे लोगों ने टाइम नोट किया आई एम ग्रेटफुल टू टूम आई एम थैंकफुल टू देम और आज चार तारीख कितनी तारीख हो गई है चार है? आज चार तारीख चार तारीख होगी सो so, एक महीना चार दिन से आप भी सारे लोग इसी पे लगे हुए हैं तेरह के जलसे से लेके सत्रह दिन ये भी हो गए सो आई एम मैन गया मुस्लिम लीग इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टी दैट्स फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी डेज एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग शेख रशीद पब्लिक मीटिंग वेदर इट वॉज सक्सेसफुल और नॉट जो इमरान खान की या नवाज शरीफ की या किसी और की सक्सेसफुल सक्सेसफुलटिंग हुई है बाँ? असल तकलीफ क्या है कि मैं बारीकी का काम जानता हूं अवाम मेरे साथ हैं मैं जब तरीके इंसाफ के साथ निकला इनकलाब लाऊंगा अभी मैं अपनी सिलाहित छुपा के रखवा रहा हूं अगर मैं निकला अगर उनको मेरी जरूरत है मैं किराए का आदमी नहीं हूं मैंने इसीलिए अवामी मुस्लिम लीग बनाई है और हाँ ये ठीक कह रहे हैं कि मैं तरीके इंसाफ में नहीं शामिल हो रहा नहीं हो रहा आज भी नून ने आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है मैं एज जेंटलमैन कह रहा हूं आज भी नून ने मुझे कहा है मैंने उनको कहा है कि मैं किसी को जुबान दे चुका हूं जब कोई जबान दे चुका हो तो अल्लाह के सामने जब, जब जबान दे जाती है उस पर तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने वाला आदमी नहीं हूँ या मैं खुद शक्ल नहीं हूँ इस उम्र में रिंग पिस्टन बैठ गए कि मुझे कोई आ, किसी और वजह से रखेगा जो जमात लगाए तो इमरान खान साहब को डिफेंड जितना अच्छा आप कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता ये तो अब आप शूटिंग कर रही हैं ख्वाजा मैं तो समझता हूँ इमरान खान को मैंने कहा था इन लोगों का नोटिस ना ले उसने फिर भी नोटिस मैं अपनी तरफ से थोड़ी कोई बात बात कर रही हूं। जो देखें, आप बातें उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है मैंने इमरान खान को ये कहा था कि आप ये ख्वाजा आसफ का नोटिस ना ले छोड़े लीव इन देखें हमारे खिलाफ इतने लोगों ने नोटिस लिए हमारी जिंदगी नोटिस कार्ड बना दी आज नोटिस गया इमरान खान साहब की तरफ आपने हमारी जिंदगी देखी नौजवानी से लेके जितने नोटिस हमारे लिए गए हमारी जिंदगी तो नोटिस बोर्ड बन गई थी जिसपे कोई चीज चश्मा नहीं होती थी वो हम पे चश्मा करता था क्या हम खत्म हो गए हमारे हौसले खत्म हो गए हम दो इलेक्शन भी आ रहे हैं हमने हार मानी है? हम लड़ेंगे खून के आखिरी कतरे और आखिरी जोश और जज्बे तक जब तक जिंदा है और जुल्म के खिलाफ लड़ते आ रहे लड़ेंगे बड़े लोग जीत जाते हैं फिर जीत जाए

लेकिन मेरी क्योंकि कमिटमेंट थी कि जब सप्लाई लाइन के खिलाफ ये निकलेंगे हालांकि मैं गुजरा वाला का सियासतदान हूँ अच्छा भला पेट रखता हूँ सो मैं वहां से चला हूँ लाहौर से लोगों ने जेलम के दरिया में छलांगे लगाई हैं इतनी गर्मी थी मैंने नहीं लगाई ये ना हो जेलम के हवाले ही हो जाऊं और आगे तवी पे जाके निकलूं और वही कहें कि यहाँ आया था किसी तकरीबकारी में सो

अब बहुत ज्यादा मुझे बुलवाया कराची से मैं उनको ये सारी रिजर्वेशन बताता था देखिए मैं तो इसीलिए लोगों के पीछे लड़ता हूं यार मरो या मारो या मर जाओ लेकिन अब हम सारे ये सारे इस मुल्क के सियासतदान सिक्सटी को क्रॉस कर चुके हैं किसी नई पौध को भी तो आना है ना एक ही दफा ये तो वो जगह नहीं छोड़ी जाती हमारे हाँ, यहाँ जो खड़े हैं वो खड़े ही हैं हटना नहीं अपनी मेरा ख्याल है अब ऐसा वक्त आ गया और खास तौर पर इमरान खान साहब के लिए जब मुझे मिलेंगे मैं उनसे अर्ज करूंगा अभी तो 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 मेरा मेरा थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएगी जाएगी मतलब दो दो बाकी दोनों को तो आजमा चुके हैं ना दो दो बार यकीन तो मेरा है कि अगर नहीं जाएगी तो घास खाएगी इनकी हड्डियां बिकेंगी ठीक है इनकी मुस्कुराहटे भी बिकेगी इनके आंसू बिकेंगे इनकी हर चीज बिकेगी गैरत बिक जाएगी गुर्बत जो है या गैरत पैदा करती है या बेगैरती पैदा करती है इस कौम ने फैसला करना है ने को वजीर बनने की की। आपके है ऐसी कोई तब मलक रियाज साहब अगर कहते हैं तो खुद शबाज शरीफ ने भी कहा कि हाँ मुझे पेशकश हुई मैंने पढ़ा और क्या नाम है तो बहुत पहले मैं कह चुका हूँ ये इसकी सारी क्योंकि ये सियासी लोग नहीं है मुंशी है ये ये मासिस के लोग नहीं है ये तफाक फाउंड्री के मुंशी हैं और जब काम बना तो ये फिनांस पे आ गए फिनांस को तबाह किया हम जब हुकूमत में आए तो इन्होंने इतनी फोर्स स्टेटमेंट दी थी इतनी गलत की थी कि दस के कितने मिलियन हमें जुर्माना देना पड़ा आई एम एफ को ये हम बना देते हैं लोग ठीक है दौलत है। से बनता है पाकिस्तान में अक्ल और जहानत और खिदमत से नहीं बनता ये मुल्क जालिम माशरा है इस जालिम माशरे में लगाने से मिलता है

और जहां तक आप वो छे अरब या आठ अरब रुपए का चोई निसार ने कहा मेरे पास सबूत है तो आप चोई निसार को बुलाए ना उनसे फोन करके पूछे मैं क्यों खान की भी सफाई खान नून की भी सफाई मैं दू और मैंने लिया बात तो आप, 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 तो आप सबके बारे में करते हैं सुनना चाहते हैं लोग राय होती है सबकी मैंने तो राय पूछी आपका भाई कौन कहता है आप बोले अच्छा मलिक साहब शेख साहब मुझे ये कि आप

अभी मैंने आंख खोली थी तो मैं बीबीसी और एक आदमी ने मुझ पर यह भी इल्जाम था कि ये बीबीसी ने उस वक्त सीएनएन हमारे मुल्क में इतना नहीं देखा जाता था ये बीबीसी ने आपको इतनी कवरेज दी है और डी मैंने कहा मुझे क्या पता क्यों कवरेज दी है सो मैं पहले दिन से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का एम का सदर था मैं पहले दिन से अल्हमदुल्ला मैंने बच्चों की जेल काटी इस मुल्क में कोई ऐसा नहीं। जो स्कूल में जेल का में में नहीं।, नहीं है जो तो नहीं जिंदा चूजों के कारखाने से तो नहीं रख सकता, तो नहीं रख सकता। ठीक। मैं कोई शुगर मिलों से बाहर निकल के कोई घी मिलों से तो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता अगर मैंने अपने आप को अवामी मुस्लिम लीग का किसी से दस रुपए चंदा मांगा तो वो कहे अगर आज मेरे पास पैसे होते आज मैं सोचने में मजबूर हो गया हूं कि जो लोग बेईमान थे करप्ट थे जिन्होंने इन गरीबों का खून निचोड़ा चोड़ा झोंके हैं जो सियासी वो तरक्की इसलिए पा गए हैं कि इन लोगों ने नहीं पूछा कि तेरे पास हराम की कमाई है या हलाल की है और आज मुझे एक आदमी जब मैं आ रहा था उसने मुझे कहा कि आप हर रोज ये बातें कहते हैं इस मुल्क में ये नहीं देखते कि बी ए नकल मार के किया है या जनरलली किया है इस मुल्क में एम बी बी एस में दूसरे इम्तहानों में नंबर देख के वो एंट्री टेस्टों में जो लोग बैठते हैं पहले नंबर जो ले लेता है उसके बाद वो लाइन में लग जाता है ये नहीं देखते कि ये नकल मार के बीए हुआ है या इसने असली नंबरों से किया है ठीक है अच्छा शेख साहब एक चीज और अभी टॉक शोज का जिक्र किया ना आपने का हाँ। जो चीज होगी उसी से तो जिंदा रखा जाएगा अपने आप को आप पर एक इल्जाम भी है वो हाँ। ये कि आप इन टॉक शोज में अकेले आना पसंद करते हैं कोई साथ ना हो और फिर आके आप दूसरे सियासतदानों पे वो इल्जाम की गोलाबारी करते हैं आप इनके साथ बैठेंगे आपको जवाब तो देंगे ना आप क्यों नहीं आते इनके साथ आपको इनके जवाब से डर लगता है या आप किसी को इस काबिल ही नहीं समझते कि कोई आपके साथ जिस दिन मैंने किसी को इस काबिल समझा इमरान खान के साथ मैं आता हूँ इमरान खान मैं आए आऊंगा नवाज शरीफ आए मैं आऊंगा बाकी अगर मैं नहीं समझता मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रहा मैंने आपको कहा जिस दिन मैंने एक चैनल से पैसे लिए इतने लिये, इतने लिए लूंगा कि लोगों का मुझे एक आदमी ने एक प्रोग्राम इंटरनेशनल अदारे ने कहा मैंने इतने बड़े पैसे मेरी मर्जी भाई मेरी अकेली जान है मैं आप आपने मेरे ये कितनी दफा मिलते कि आए मेरे प्रोग्राम पे सारे करते हैं सही है आपने मुझसे की मुसलसल कर रही थी मैंने कहा मैंने ये आपको नहीं कहा मैंने अकेला हूँ आपको पता है कि मैं अकेला आऊंगा मैं इस मुल्क में अब मुझे ये पता लेट लेट मी से, लेट मी से से अब आपने सवाल कर लिया ना सवाल मुझे जवाब देने दे मैं आके वहां सिर्फ गाली रहनी दे रह गई है ना मां बहन की गाली देनी रह गई है वहां पे वहां या तो कोई प्रोग्राम पे डिस्कस हो रही हो है जी हाँ कोई काबिल जिक्र इशू हो काबल जिक्र पढ़े लिखे लोग हों मैं उम्र के इस हिस्से इस में अपने आप को जिल्लत और रसवाई से गाली गलोच से तो नहीं गुजार सकता ना एटलीस्ट और है, बहुत शुक्रिया। रशीद साथ, साथ आप है। आज प्रोग्राम में बात हो रही थी शेख रशीद अहमद से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की एक डायनामिक शख्सियत है और अब देखना यह है कि इनकी शख्सियत का जो शहर है वो इनके लिए और जो दूसरे हैं उनके लिए आने वाले इलेक्शन में किस हद तक फायदेमंद साबित होगा 2008 की दूसरी ग्रेजुएट असेंबली में पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान सौ पैंतीस कौमी और सूबाबली के खिलाफ जाली डिग्रियों पर इलेक्शन लड़ने के इल्जाम थे इसमें से अस्सी के बारे में फैसला हो गया कोई ना अहल हो गया कोई अहल करार पाया लेकिन पचपन बा हिम्मत अराकिने असेम्बली ऐसे भी है जो पता नहीं किस वजह से कैसे साढ़े चार साल कामयाबी से गुजार गए सवाल यह है कि उनके साढ़े चार साल ऐवान में रहना उनकी कामयाबी है या सिस्टम की नाकामी सोचिएगा अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए पारस खुशी को इजाजत दीजिए अल्लाह ने मान